क्या कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र साबित हो रही हैं? वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र हथियार का जिक्र है दोस्तों, वो अल्टीमेट हथियार। और यहां पर क्या प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के लिए वो ब्रह्मास्त्र साबित हो रही हैं जिसमें वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोल रही हैं। वो एक बार फिर राजस्थान की जमीन पर थी और उस जमीन से उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी एजेंसी से नहीं डरने वाले हैं। सुनिए क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने। कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं हैं, हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे, यही हमारा धर्म है। दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी तमाम रैलीज में लगातार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या भाई बहन की जोड़ी कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? बैसाखी के मौके पर दोस्तों कल रात का एक वीडियो सामने उभर कर आया है जिसमें राहुल गांधी गुरुद्वारा रकाबगंज जाते हैं। यह वीडियो है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं कि राहुल गांधी गुरुद्वारा रकाबगंज प्रवेश करते हैं। जाहिर सी बात है इस पूरे लम्हे को कैमरे में कैद किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जब प्रधानमंत्री किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तब उस मंजर को कैमरे में कैद किया जाता है। मगर एक बुनियादी फर्क है, जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं ना तो उस पूरे मंजर के केंद्र में वो बन जाते हैं, केंद्र बिंदु वो बन जाते हैं। मगर इन तस्वीरों में जैसे कि आप देख सकते हैं राहुल गांधी बाकायदा पंक्ति में लगते हैं, लाइन में लगते हैं, वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, भीड़ पर सर्वोपरि नहीं होते, यानी कि भीड़ पर छा नहीं जाते हैं, जो कि वो कर सकते थे, मगर वो यहां पर खड़े हुए हैं। उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि यही है राहुल गांधी की सादगी। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसी तरह से तमाम जगहों पर जाते हैं, लोगों को अपना बना लेते हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या ये तस्वीर पंजाब के चुनावों पर असर डाल सकती है, क्या ये तस्वीर जनता पर असर डाल सकती है? दोस्तों, राहुल गांधी तो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए उसने पांच पांच न्याय की घोषणा की है। वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ब्रेन चाइल्ड है। मगर प्रियंका गांधी वाड्रा सही मायने में, क्योंकि मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी से कहीं बेहतर स्पीकर प्रियंका गांधी वाड्रा है, वो मुद्दे लगातार उठा रही हैं। वो जिस जगह पर जाती हैं उसी हिसाब से मुद्दों को उठाती हैं और अब वो राजस्थान की जमीन पर थी। मैं चाहूंगा कि आप सुने कि उन्होंने अग्निवीर योजना पर क्या कहा, उन तमाम युवाओं के बारे में क्या कहा जो सेना के लिए कोशिश कर रहे थे आज से नहीं बचपन से। वो बाकायदा एक कहानी सुनाती हैं। 3 मिनट का लंबा बयान है दोस्तों, आप सुनिएगा और मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा कि दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा यह मुद्दा क्यों उठा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा आपके पूरे स्क्रीन पर। राजस्थान ने, उत्तराखंड ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, यूपी ने अपने बेटों को अब हमारे सरहद पे भेजा, शहीद होने के लिए भेजा। आज की बात नहीं है, पीढ़ियों से आप भेज रहे हैं। आपके दिलों में देशभक्ति की भावना है, आपके दिलों में देश के लिए प्रेम है। आप कहते हैं कि हमारे बच्चे जाएंगे, रक्षा करेंगे देश की, और आपके बच्चे जैसे ही नौजवान बनते हैं दौड़ लगाना शुरू करते हैं। मैंने आंखों से देखा है। मैं जब गिरफ्तार हुई थी, किसानों का आंदोलन चल रहा था, मैं लखीमपुर खीरी में थी, यूपी में। उस समय कुछ किसानों को एक मोदी जी की सरकार के एक मंत्री ने कुचल दिया था। 6 किसान मर गए थे, शहीद हो गए थे। मंत्री के बेटे ने, शायद मंत्री ने, जीप के टायर के नीचे कुचल डाला था। हम उन्हें मिलने जा रहे थे, उस समय पुलिस हमारे पीछे पीछे थी और हमें पकड़ने के लिए आए कि आपको गिरफ्तार करना, आप नहीं जा सकते।
क्योंकि हम चाहते थे कि हम उनके परिवारों से मिले। तो सुबह के 3:30 बजे थे, अंधेरा था अभी, और हम एक गांव के बाहर रुके हुए थे कि हम किस तरह से लखीमपुर खीरी पहुंचे पुलिस के बिना, कि पकड़े बिना। उस समय मैंने देखा कि 15-20 लड़के नौजवान एक ग्रुप में दौड़ लगा रहे हैं। तो अचानक मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, अभी तो रात हो रही है, सुबह हुई भी नहीं है, सूरज उगा भी नहीं है, ये बच्चे दौड़ लगाने किस लिए निकले हैं। फिर वो रुके, उन्होंने बातचीत की हमसे, पता चला कि सेना के लिए तैयारी कर रहे थे, इतने से थे, अभी तो उनकी उम्र भी नहीं आई थी सेना में भर्ती होने की, लेकिन तैयारी तब से कर रहे थे। क्या उम्मीदें होंगी उनकी, क्या आशाएं होंगी, दिल में कैसी भावना होगी देशभक्ति की, और ये भी भावना कि अपने माता पिता के लिए बड़े होकर हम कमाएंगे, एक स्थायी रोजगार मिलेगा, सेना में हम भर्ती होंगे, हमारे माता पिता को गर्व होगा और हम उनका देखभाल कर पाएंगे। ये भावना ये मोदी जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो अग्निवीर जैसी स्कीम निकालते हैं वो ये भावना को समझ नहीं सकते। उन्होंने इन सब आशाओं को चूर चूर कर दिया, इन उम्मीदों को खत्म कर दिया। वो समझे नहीं कि सेना में भर्ती होने का मतलब क्या है नौजवानों के लिए और तमाम देश की जनता के लिए, समझ नहीं पाए। अब उन्होंने वही चीज़ चार सालों की कर ली, 4 सालों के लिए कौन करेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि एक सैनिक का दर्द या फिर एक ऐसे युवा का दर्द जो सेना में जाना चाहता है, इसे नहीं समझ सकती मोदी सरकार, खासतौर से अग्निवीर योजना ने इसे प्रमाणित किया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये रिपोर्ट है पारुल कुलश्रेष्ठ की। ये रिपोर्ट कहती है, एन आर्मी कोचिंग ग्राउंड जीरो अग्निपथ टर्न्स बिजनेस कोल्ड हीट्स अप पोल कैंपेन। क्यों इस मुद्दे को प्रियंका गांधी वाड्रा उठा रही हैं? क्योंकि अग्निवीर योजना के लिए, ये कहा जाए सेना के लिए जो ट्रेनिंग होती थी, तमाम जो कोचिंग संस्थान थे, वहां मामला ठंडा पड़ गया है। कई कोचिंग संस्थान जो है वो बंद हो रहे हैं। हॉस्टल्स में जिस तरह से युवा भर्ती होते ताकि वो सेना की ट्रेनिंग ले सके, वहां पर भी उनका आंकड़ा कम हो गया है। यही वजह है कि राजस्थान में प्रियंका गांधी वाड्रा यह मुद्दा उठा रही हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस में पारुल कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट क्या कहती है, और यही वजह है कि राजस्थान की जमीन में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अग्निवीर योजना का मुद्दा उठा रही हैं। रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर, इंडियन एक्सप्रेस में पारुल कुलश्रेष्ठ की कहानी दरअसल कहती क्या है। अग्निवीर योजना के बाद से कूचा मन कस्बे में कोचिंग और ट्रेनिंग संस्थान बंद हो गए हैं। पहले यहां प्रदेश भर से नौजवान कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए आया करते थे। पारुल की रिपोर्ट बताती है कि बड़ी संख्या में नौजवानों ने सेना में जीवन बनाने का सपना छोड़ दिया है। रिपोर्ट कहती है कि जहां एक हॉस्टल में 1500 लड़के तैयारी करते थे, अब महज 150 यानी 150 रह गए हैं। पूर्व सेना अध्यक्ष की जो किताब आ रही थी, जिसमें अग्निवीर के बारे में काफी कुछ कहा गया था, उस किताब का क्या हुआ? बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या वजह है कि पूर्व सेना अध्यक्ष उस मुद्दे पर चुप हो गए। यही वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस मुद्दे को उठा रही हैं, लगातार उठा रही हैं। और आपने देखा होगा, अब सैनिकों के शौर्य, सेना, अग्निवीर, इसकी बात प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में नाराजगी जो है वो जमीन पर देखी जा सकती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में। प्रियंका गांधी वाड्रा सीधा हमला बोलती हैं प्रधानमंत्री पर इस मुद्दे पर, और न सिर्फ इस मुद्दे पर, महंगाई और बेरोजगारी पर भी। क्यों? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, CSDS का सर्वे आया था जिसमें उन्होंने देश की जनता से बात की थी। इस सर्वे में स्पष्ट हो गया है कि आम जनता के लिए सबसे अहम है बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे, यानी कि 50% जो जनता है उसके लिए महंगाई और बेरोजगारी अहम है,
और अगर हम राम मंदिर और हिंदुत्व की बात करें तो इसकी संख्या महज 10% है। विश्व गुरु की बात करें तो महज 2% है दोस्तों, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की बात है। यानी कि जो भाजपा के कोर मुद्दे थे, राम मंदिर और हिंदुत्व, इसकी चर्चा ही नहीं है जनता में, महज 10%। प्रियंका गांधी वाड्रा महंगाई पर सीधे हमला बोलती हैं। वो कहती हैं मोदी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, और जब चुनाव आते हैं तब जाकर इन्हें जनता की याद आती है। सुनिए क्या कह रही हैं प्रियंका। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जब आपकी समस्याएं सीधी सीधी महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं। 10 सालों में आप बताइए मुझे महंगाई घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं? बढ़ी है ना, आपको मालूम है बहनों, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ये देश देख रहा है। किसकी बदौलत? मोदी जी की 10 साल की सरकार रही है। आज कह रहे हैं कि सिलेंडर को 400 में बिकवाएंगे, तो पिछले इतने सालों से 1200 में क्यों खरीदवाया? मेरी बहनें सिलेंडर भर नहीं पा रही थी, तब कहां थे मोदी जी? चुनाव नहीं था ना बहने, इसलिए चुनाव नहीं था। अब चुनाव आ रहा है तो सिलेंडर का दाम घट रहा है, चुनाव आ रहा है तो महंगाई घटाने की कोशिश हो रही है। नहीं तो अब तक पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे? नहीं तो अब तक आप अगर दुकान जाती हैं, आजकल नवरात्रि का समय है, त्योहार का समय है, आप दुकान जाती हैं अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे इस समय, या कुछ खरीद और जूते खरीदने के लिए, या फिर सब्जी भाजी खरीदने के लिए अगर आप दुकान जाती हैं तो क्या होता है? घबराहट होती है कि नहीं कि आधी चीज़ें खरीद नहीं पा रही हैं? मुश्किल से आप पैसा इकट्ठा करती हैं। जब कोई बीमार होता है घर में तो इलाज के समय क्या होता है? जमीन बेच देते हैं, अपनी जमीन बेच देते हैं। बच्चों की शादी करानी पड़ती है तो क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं। तो जब ये है आपकी स्थिति, जब आपका जीवन हर रोज आप संघर्ष कर रहे हैं, चाहे मेरी बहनें हों, चाहे मेरे भाई हों जो खेती का काम करते हैं, आप बताइए खेती में जो जो सामान आप इस्तेमाल करते हैं वो महंगे हुए हैं कि नहीं? प्रियंका गांधी वाड्रा ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास एक हुनर है, एक फन है उनका, और वो हुनर ये है कि जनता को किस तरह से भटकाया जाए। वो ये भी कहती हैं कि प्रधानमंत्री अनर्गल बयान भी देते हैं, इसीलिए जो राजस्थान में उन्होंने ये स्पीच दी है ना, उनकी अब तक की तमाम स्पीचों में उन्होंने सबसे सख्त शब्दावली का इस्तेमाल किया है। सुनिए कैसे वो सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलती हैं। आजकल चुनाव के समय एक अजीब सा माहौल बन गया है, आपने देखा होगा, आपके ध्यान को भटकाने वाली सारी बातें हो रही हैं, बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं, अजीब सी बहकी बहकी बातें हो रही हैं। आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने होंगे, कहाँ कहाँ की बातें करते हैं। अभी राजस्थान आए तो अपने भाषण में कह डाले कि आपके जन जन के आराध्य बाबा रामदेव साहब, उनका जन्म कश्मीर में हुआ। कभी वो अपनी झूठी वीरता दिखाते हैं, कभी शेखी मारनी होती है, कभी कबीरदास जी को गोरखनाथ जी से मिलवा लेते हैं अपने भाषण में, कभी गटर से गैस बनाते हैं, कभी बादल में मिसाइल छोड़ देते हैं, कभी मांस मछली की बात करते हैं, कभी ईमेल उस समय की बात करते हैं जब ईमेल था ही नहीं, उस जमाने की बात करते हैं कि मैंने तब ईमेल भेजा, कभी हवा में उड़ते हैं तो कभी समुंदर के नीचे चले जाते हैं। अब मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछना चाहती हूँ बहनों और भाइयों, आप दूर दूर से यहाँ आए हो एक नेता की बात सुनने के लिए, इन बातों से आपके जीवन का क्या मतलब है बताइए? कोई मतलब है? मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ी आपकी समस्या आज क्या है? क्या है?
महंगाई है। मुझे लगता है कि कुछ हो गया है, मोदी जी को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या होता है ना, कई बार इतनी सत्ता हो जाती है कि लोग सच्चाई बताते ही नहीं हैं, घिर जाता है इंसान। चाहे उसके संघर्ष की कुछ भी उसका अनुभव होता है, लेकिन जब सत्ता इतनी हो जाती है लोग डरते हैं, अधिकारी डरते हैं, जो साथ में काम करते हैं वो डरते हैं कि असलियत ना बताएं। दोस्तों, जहां तक चुनावी भाषण की बात है, प्रियंका गांधी वाड्रा ये पहले भी देती रही हैं, मगर आज मेरे कुछ सवाल उनसे। दो सीटों पर गौर कीजिए, रायबरेली और दूसरी तरफ बनारस। अब तक प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने नाम की घोषणा कर देनी चाहिए थी इन दोनों सीटों में से किसी और पर। रायबरेली इसलिए क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं, कायदे से यहां लड़ाई आसान होनी चाहिए, मगर अब तक प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐसा नहीं किया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को अगर लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा चुनौती दे रही हैं, तो बनारस में क्यों नहीं उतरती? मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस में हराना नामुमकिन है, मगर लड़िए तो सही। विपक्ष में जज्बा होना चाहिए, लड़ने का जज्बा, लड़ते हुए दिखाई देने का जज्बा। अब तक अमेठी रायबरेली के लिए कांग्रेस ने नामों की घोषणा तक नहीं की है। बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल का इंतजार किया जा रहा है, जब वायनाड में वोट डाले जाएंगे और उसके बाद इस बात की घोषणा होगी कि राहुल गांधी जो है वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। मगर क्या प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसका हमें इंतजार होगा। क्या वो किसी सुरक्षित सीट का इंतजार कर रही हैं? अगर वो मेरा मशवरा माने तो कायदे से उन्हें बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे आप शहीद भी हो जाएं, क्योंकि वहां का मुकाबला जो है बहुत कठिन है, मगर लड़ते हुए अगर आप दिखाई देंगे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर पसीना होगा तो राजनीतिक मंजर कुछ और ही होगा। इसमें दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के असला में ब्रह्मास्त्र जैसी हैं, मगर राजनीति में उन्हें पारंगत होना पड़ेगा और राजनीति लड़ते हुए दिखाई देना होगा। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।